स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रसोई की रौनक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान मटर कचौरी, जिसे हम गेहूं के आटे से बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सूखा मसाला रेडी कर लूंगी। तो मसाला रेडी करने के लिए मैंने गैस में एक पैन रख दिया है। अब हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे जिन्हें हमें थोड़ा सा भून लेना है। तो मैं यहाँ एक चम्मच जीरा लूंगी, एक चम्मच ही हमें यहाँ धनिया लेना है और एक चम्मच हम यहाँ पर सौंफ लेंगे। सौंफ से जो कचौरी में टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसी में डालेंगे दो सूखी हुई लाल मिर्चें, इसे भी हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इन मसालों को थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसे दरदरा सा कूट लेंगे। अब हम उसी पैन में मटर को भी थोड़ा भून लेंगे। तो मैं यहाँ पर मटर ले रही हूँ, ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं। मैं यहाँ 2 कप मटर का यूज कर रही हूँ, आप मटर कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। हमें मटर को भी थोड़ा भून लेना है। हम मटर को मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमें मटर को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा ग्रीन ना हो जाए। हमने मटर को 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और मटर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। हमें बहुत फाइन इसे नहीं पीसना है, हमें इसे दरदरा सा पीसना है। अब हम कचौरी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो हम एक पैन में तेल डाल देंगे। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 पिंच हींग डाल देंगे। अब हम यहाँ पर 1 टुकड़ा अदरक को ग्रेट करके ले लेंगे। अब हम इसे चलाते हुए 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चों को दरदरा सा कूट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी ले सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम यहाँ पर मटर लेंगे जिसे हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब हम पिसे हुए मटर डाल देंगे। हमें इन्हें चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, साथ ही में हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। कचौड़ी की जो फीलिंग है वो थोड़ी तीखी होनी चाहिए, तभी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी देर तक मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे, 2 चम्मच बेसन डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था, 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल दी है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और जो रेडी किया हुआ सूखा मसाला था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। कैमरा बंद हो गया था इसके लिए मैं ये दिखा नहीं पाई, तो मैंने ये सारी चीजें इसमें डाल दी है। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला डालने से आपकी कचौड़ी में बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। अब हमारा मसाला रेडी है। अब हम आटा लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर गेहूं का आटा लेंगे। तो मैंने इस कप से ये 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम कचौड़ी में अच्छा सा टेस्ट आने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चम्मच तेल डाल देंगे। अब हम तेल को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंद लेंगे। तो इस तरह से हमने अच्छे से मसलते हुए इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा लिया है। हमारा डो इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। अब हम हाथ को थोड़ा सा तेल लगा के आटे को अच्छे से मसल लेंगे। तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। अब हम इस तरह से आटे को हाथ में लेकर लोई बना लेंगे। इस तरह से मैंने आटे की लोई बना ली है। तो हम इस तरह से इसे बेल लेंगे। किनारों से हमें पतला बेलना है, तो हमने इसे इस तरह से बेल लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। तो हमारी स्टफिंग है वो अच्छी ठंडी हो गई है। अब हम इसकी छोटी लोई बना लेंगे। तो मैं इस तरह से स्टफिंग की छोटी लोई बना लूंगी। हमें इससे ज्यादा स्टफिंग कचौरी में नहीं भरनी है। अगर हम इससे ज्यादा कचौरी में स्टफिंग भरेंगे तो हमारी कचौरी फूट सकती है। इस तरह से हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। तो इस तरह से हमें बॉल्स बनाने हैं। इस तरह से कचौरी में स्टफिंग रख देंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाने के लिए स्टफिंग भरते हैं उसी तरह से हमें भरनी है।
अब हम इसका ऊपर का जो हिस्सा है उसे निकाल लेंगे। इस तरह से आपकी कचौरी बीच में बिल्कुल भी मोटी नहीं होगी। अब हम कचौरी को थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो हम इस तरह से बीच में से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले कचौरी को इस तरह से प्रेस कर लेंगे, अच्छे से प्रेस करते हुए दबाते हुए, ताकि इसका जो मसाला है वो कचौरी में चारों तरफ से अच्छे से फैल जाए। अब हम इस तरह से हथेली से थोड़ा सा दबा लेंगे। तो इस तरह से मैंने कचौरी को अच्छे से बना दिया है और ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। कचौरी का थिकनेस हमें इस तरह से रखना है। तो इसी तरह से मैं सारी कचौरी बनाकर रेडी कर लूंगी। तो इस तरह से हम सारी कचौरियां बनाकर रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताती हूँ, जिसके लिए हम थोड़ा बड़े साइज का आटा लेंगे। अब हम इसे रोटी की जैसा बेल लेंगे। अब मैंने इस तरह से रोटी बना ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं हाथ से इसमें घी लगा लूंगी। घी हमें मेल्टेड लेना है, सर्दी का मौसम है इसके लिए घी जल्दी जम जाता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़क देंगे। तो मैं इस तरह से एक छन्नी की मदद से गेहूं का आटा इसके ऊपर डस्ट कर लूंगी। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और दूसरी तरफ से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर पिघला हुआ घी लगा लेंगे। इस तरह से मैंने इसमें घी लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट कर लेंगे। अब हम फिर से इसे एक फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें बेलन घुमा लेंगे। इस तरह से बनाने में हमारी कचौरी बहुत ही परत वाली बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट कर लेंगे। अब हम इसका एक रोल बना लेंगे। तो बिल्कुल भी हमें गैप नहीं रखना है, तो आप इस तरह से इसको रोल कर लें। इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हम अगर चाकू से इसे कट करेंगे तो इसका शेप बिगड़ जाएगा, इसके लिए मैं इसे धागे से कट कर लूंगी। तो हमें बराबर इसे बीच में से कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। इसकी बहुत सारी परतें नजर आ रही होंगी। हम इस तरह से इसे प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलना है। तो मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इसमें मसाला डाल लेंगे। अब हम इस तरह से साइड में इसे पानी लगा लेंगे ताकि हमारी कचौरी खुले ना। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसे फोल्ड कर लेंगे। हमें इसे इस तरह से चिपका लेना है। इस तरह से हम थोड़ा सा हाथ से, हमें ज्यादा नहीं प्रेस करना है, बस थोड़ा सा ही करना है। इस तरह से मैंने जो कचौरी है वो रेडी कर ली है। इसी तरह से हम सारी कचौरियां बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी कचौरियां बनाकर रेडी कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें फ्राई करने के लिए बहुत ज्यादा तेल नहीं गर्म करना है, हमें हल्का गर्म तेल चाहिए। तो हम हल्के गर्म तेल में कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में जितनी कचौरियां आए उतनी हमें कढ़ाई में डालनी है। फ्लेम को हम लो रखेंगे। तब हम इन्हें पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कचौड़िया है वो अच्छे से फूलने लगी है। हम इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारी कचौड़ियों में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही फूली फूली सी कचौड़िया बनकर रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी में बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमने गेहूं के आटे की मटर कचौड़ी बनाकर रेडी कर ली है। बहुत ही खस्ता और फूली फूली सी हमारी कचौड़िया बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से हमने दो शेप में कचौड़ी बनाकर रेडी कर ली है। ये हमारी बहुत ज्यादा परतों वाली कचौरी भी बनकर रेडी हो गई है और इसकी बहुत ही अच्छी परतें नजर आ रही है। आपको जो कचौरी पसंद आए आप वो बना सकते हैं। और हमने इसे गेहूं के आटे से बनाकर रेडी किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी और भरी हुई हमने कचौड़ी बनाकर रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने बहुत ही अच्छा मसाला भरकर रेडी कर लिया है और ये चारों तरफ से भरी हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। ये बच्चे बड़ों सभी को पसंद आएंगी। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।